कि कैसे महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के तमाम नेता और साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी इस ऐप की जद में आ चुके हैं और इस ऐप को लेकर के ना केवल भोपाल की पुलिस बल्कि ईडी और साथ ही मुंबई की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है और ये तमाम लोग अब महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही हैं, मुख्य आरोपियों की तलाश, साथ ही विदेश तक जो इसका एक जाल बिछाया गया है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड सितारों का इसमें जहां नाम सामने आ रहा है, वहीं पॉलिटिशियंस भी इसमें जद में आएंगे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा और उसकी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल देखना ये है कि बॉलीवुड के जिन सितारों का नाम सामने आया है उसमें अब कौन कौन ईडी के हत्थे चढ़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट हाइलाइट। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के एक बार फिर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बता दें कि महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में फिल्म जगत के तमाम सितारों का जहां नाम सामने आया है, अब इसमें एक्टर साहिल खान का नाम भी जुड़ चुका है। उन पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। इस मामले में स्टाइल फेम एक्टर साहिल आरोपी नंबर 26 है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल पर कथित तौर पर महादेव बैटिंग ऐप जैसे एक और सट्टेबाजी ऐप को चलाने का आरोप है। एक्टर पर FIR दर्ज कर कहा गया कि ये साहिल पर न केवल ऐप के प्रचार का बल्कि ये ऐप चालान का भी आरोप है और साथ ही भारी मुनाफा कमाने की वजह से उन्होंने इस तरीके का काम किया और इस पर अब पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि अक्टूबर के महीने में इसी साल हिना खान, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, श्रद्धा कपूर समेत कई सितारों को ईडी ने तलब किया था। अब साहिल खान पर भी मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते सप्ताह साहिल खान समेत 30 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। साहिल खान के खिलाफ FIR मुंबई की एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बनकर ने दर्ज कराई। इसके लिए उन्होंने कई सबूत भी दिखाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सट्टेबाजी ऐप के जरिए लोगों के साथ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखेधड़ी की गई। बता दें कि पुलिस ने जहां जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, वहीं IT एक्ट के अलावा IPC की विभिन्न धाराओं के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। बताते चले कि यह साहिल खान एक्टर के साथ साथ फिटनेस मास्टर भी हैं। उन पर आरोप है कि कथित तौर पर ऐप को बढ़ावा दिया और साथ ही अपने रॉब का इस्तेमाल कर सेलिब्रिटीज को बुलाते थे, पार्टी का आयोजन करवाया जाता था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। साहिल खान के खिलाफ फिलहाल ऐप ऑपरेटर के रूप में केस दर्ज किया गया है। इसके खिलाफ खिलाड़ी का नाम भी सामने आया। आपको बता दें कि उनके खिलाफ खिलाड़ी नाम की एक बैटिंग ऐप चलाने का भी आरोप है। इसके अलावा बताते चले कि इस ऐप में जहां बॉलीवुड के सितारे और साथ ही राजनीतिक जगत के कई नेता फंसे हुए हैं, तमाम क्रिकेटर्स भी इसकी जद में आ सकते हैं। जी हां, हाल में ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप में क्रिकेटर्स का भी नाम सामने आ सकता है। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की गई है कि वो कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम इस आरोप में सामने आया है। महादेव बैटिंग ऐप का मामला यहीं तक सिर्फ सीमित नहीं है, इसमें एक और बड़ा ग्रुप शामिल है जिसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अगर उस ग्रुप के बारे में जिक्र किया जाए तो शायद घर घर में उनके प्रोडक्ट्स पाए जाते होंगे। हम बात कर रहे हैं डाबर ग्रुप की। जी हाँ, डाबर का सामान जो हर घर घर की एक पहचान बन चुका है, डाबर ग्रुप भी इसी में लिप्त पाया गया है। दरअसल इस ग्रुप को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस इस ऐप की जद में हैं, जहां FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई है, तो वहीं ये केस का जाल और भी गहराई से धंसता जा रहा है और इसमें डाबर ग्रुप का नाम सामने आया है। बिजनेस की दुनिया में ये पहुंच चुका है। आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाले बड़ी कंपनी डाबर ग्रुप के अधिकारी सट्टे में लिप्त थे, इसकी जानकारी सामने आ रही है और साथ ही सट्टे के दलदल में फंसने के कारण अब इनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। बताते चले कि पुलिस ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में 32 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके अलावा डाबर ग्रुप के डायरेक्टर गौरव बर्मन और चेयरमैन मोहित बर्मन का नाम भी शामिल हुआ है। ये दोनों ही
बिजनेस इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और इनके खिलाफ मामला दर्ज होना वाकई में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बताते चले कि इन लोगों के खिलाफ फ्रॉड और जुआ खेलने की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस केस में मुंबई पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें मोहित बर्मन 16वें नंबर पर हैं और गौरव बर्मन 18वें नंबर के आरोपी हैं। इस FIR में कुल जितने लोगों का नाम सामने आया है उसमें से कई अज्ञात आरोपी भी बताए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बनकर ने इनके खिलाफ भी मामला दर्ज कराया। स्टाइल फिल्म से फेमस हुए साहिल खान इस पूरे मामले में जहां 26वें नंबर पर है, तो वहीं ये दोनों बिजनेसमैन उसकी जद में आ चुके हैं। बताते चले कि जहां एक और 6000 करोड़ रुपए का मामला सामने आ रहा था कि धांधलीबाजी की गई है, घोटाला किया गया है, तो वहीं अब 15000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ये केस बनता हुआ नजर आ रहा है। इस केस में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के साथ साथ 465 और कई और धाराएं लगाई हैं। अब इस मामले में कई तूल देखा जा रहा है और खास बात यह है कि बॉलीवुड के सितारे जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचाया और लोगों को इस्तेमाल करने की सलाह दी, अब ये सभी इसकी जद में हैं। पॉलिटिशियन से लेकर के बॉलीवुड के एक्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन से अब पुलिस पूछताछ कर सकती है। ये मामला काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और इस मामले में कई अरबों रुपए की घोटाले की बात सामने आ रही है। जी हाँ, अरबों रुपए भी इसमें घोटाला किया जा सकता है। पुलिस को इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है, यानी कि अब देखना ये होगा कि धीरे धीरे ये आंकड़ा कहाँ तक बढ़ता है और ये केस जो है आखिर इसका अंत क्या होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइव। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, रणबीर कपूर से लेकर के तमाम बॉलीवुड के सितारे इस ऐप की जद में आ चुके थे। इस ऐप को लेकर के ईडी काफी ज्यादा सक्रिय है और बॉलीवुड के कई सितारों से पूछताछ कर रही है। वहीं कई सितारों की गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। लेकिन इसी बीच में महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई जहाँ एक्टर साहिल खान भी इस केस में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। यही नहीं, महादेव बेटिंग ऐप की जो आग है वो बड़े बड़े राजनेताओं तक भी फैली हुई है। उसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।